मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में ऊर्जा संरक्षण दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजधानी में एमिटी विश्वविद्यालय परिसर में 12 बजे से कार्यक्रम का आयोजन होना है। मेरठ के स्मिता भादुड़ी फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। मेरठ के दौराला थाना इलाके में 15 साल पहले हुए फर्जी एनकाउंटर में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने एनकाउंटर करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। मंदिर अधिग्रहण मामले पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दी राज्य सरकार को चुनौती, कहा दम है तो मंदिरों को अधिग्रहित करके दिखाए सरकार। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बीएड के 12,000 छात्रों ने एडमिशन लिया है लेकिन 20,000 को पास करने की तैयारी यहां चल रही है। प्रतापगढ़ में डिप्टी सीएमओ और एसपी के नेता को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। बीएसपी नेता की भी दबंग प्रधान पुत्रों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि कंधे थाने इलाके में घर के बाहर खड़े युवक को नकाबपोश बदमाशों ने मौत की आगोश में खींच। फिरोजाबाद के क्षत्रिय इंटर कॉलेज में मतगणना केंद्र में प्रधान पद के प्रत्याशियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, इसके बाद यहां पुलिस ने लाठियां भांजकर लोगों को खदेड़ा। चंदौली में रेलवे की दुर्व्यवस्था से नाराज रेल यात्रियों ने ट्रैक पर उतरकर जमकर हंगामा किया। इस मामले को बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को ट्रैक से हटाकर मामला शांत कराया। झांसी में पार्किंग विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के 2 गुटों में जमकर झड़प हुई, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। फिरोजाबाद में ज्वेलरी की दुकान में बंदूक की नोक पर लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने 400 ग्राम सोना समेत 20,000 रुपए लेकर मोटरसाइकिल से भागने में कामयाब रहे। नोएडा के जीएनडी ओवर ब्रिज का मामला राज्यपाल के पास पहुंचा। जनहित मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर के नेतृत्व में यूपी के राज्यपाल राम नाईक से मिला। जौनपुर के खेतासराय इलाके में एक पति ने पत्नी के वापस नहीं लौटने से खफा होकर खुद को बीच सड़क में आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अमरोहा के गजरौला में एनएच पर तेज रफ्तार कैंटर और इंडिगो गाड़ी की टक्कर में कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हुए। फिरोजाबाद में जीसीएम गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर जाम लगा दिया। मुरादाबाद के थाना कुंदर के क्षेत्र में बोलेरो और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। बोलेरो में रामपुर शहर कोतवाली के कोतवाल और 2 सिपाही मौजूद थे। हादसे में 2 सिपाहियों की मौत हुई। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के खूनी पुल पर इंडियन बैंक में ड्यूटी पर सिपाही की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। हालांकि पुलिस मौत की वजह हार्ट अटैक बता रही, लेकिन परिजन इसे प्राकृतिक मौत मानने से इनकार कर रहे हैं। बिजनौर में तेजी से आ रहे खनन से भरे डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए मृतक के परिजनों ने हाईवे जाम कर मौके पर खड़े डंपर पर पथराव कर तोड़फोड़ की। बांदा के विसंडा इलाके के कोरही गांव में एक 30 वर्षीय महिला प्रधान प्रत्याशी जुबैदा की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि जुबैदा 3 दिन से लापता थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी अरविंद की लाश हत्यारों ने उसके घर के बाहर फेंक दी और परिजनों को दरवाजा खटखटाकर कहा कि तुम्हारे बेटे की लाश फेंक कर जा रहे हैं, उठा लेंगे। कानपुर के बिधुनू थाना के पिपरगवां गांव में जमीनी विवाद में रिटायर्ड एसडीएम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लखनऊ के गन्ना शोध संस्थान में उन्नत भारत अभियान के तहत प्राकृतिक कृषि एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ ने जैविक खेती पर जोर दिया। कानपुर में कमलेश तिवारी को फांसी देने के नाम पर कुछ शरारती तत्वों ने शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। संत कबीरनगर जिले से बेलहर ब्लॉक क्षेत्र के बेलहर कला गांव में सीधी सादी महिला शशिकला यादव प्रधान का चुनाव जीत गई है। इसी गांव से लगातार 10 साल से खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत के परिवार के लोग ही जीतते चले आ रहे हैं। कन्नौज जिले में प्रधानी चुनाव मतगणना के बाद विजय प्रत्याशियों ने जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया। जुलूस के दौरान कई बार पुलिस ने लाठियां भी भांजी। मिर्जापुर के मणिहान के अमोई गांव में विहिप नेता अमरीश सिंह की बेटी की शादी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी शिरकत की, हालांकि इस दौरान मीडिया के किसी सवालों का जवाब नहीं दिया।
जापानी पीएम सिंजो आबे के काशी दौरे के बाद मेयर रामगोपाल मोहले ने कहा है कि जल्द ही जापान के सहयोग से बनारस में कल्चरल कम कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। लखनऊ में एक कार्यक्रम के सिलसिले में बेबी डॉल फेम कनिका कपूर पहुंची। कनिका ने प्रेस वार्ता में कहा कि वो लखनऊ का नाम पूरी दुनिया में अपनी गायकी के जरिए रोशन करने वाली है। कानपुर में ब्रह्मानंद कॉलेज के एनएसएस के छात्रों ने जिला कारागार में स्वच्छता अभियान चलाया और जेल बंदियों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। ताजमहल के प्रतिबंधित क्षेत्र में कटवाए गए करीब 4000 पेड़ों की जांच करने पर्यावरणविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी मेहता पहुंचे। पेड़ पूर्व डीएफओ एन के जानू द्वारा नियम कानून ताक पर रखकर कटाए गए थे। कानपुर के रॉबर्टगंज इलाके में दलितों के महासम्मेलन का आयोजन वाल्मीकि समाज एकता सेवा समिति के तत्वाधान में हुआ, जिसमें अभिनेता चंकी पांडे, कांग्रेस विधायक अजय कपूर शामिल हुए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गुलिस्तान सैयद पार्क में दो दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें यहां पर लगभग 200 प्रजाति के फूलों को रखा गया। फरुखाबाद के नारायणपुर के लोगों ने परिजनों ने कमलेश कुमारी को याद किया। आपको बता दें कि संसद हमले में कमलेश कुमारी शहीद हुई थी। शाहजहांपुर में रोडवेज की बस ने सड़क किनारे जा रही बारात को रोक दिया, जिसमें 5 बारातियों की मौत हो गई। दूल्हे के पिता और बहनोई और लखीमपुर के कांग्रेसी नेता अरुण वाजपेयी की जिसमें मौत हो गई। फरुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में फौजी को गोली मारकर 6 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है और रिश्तेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फरुखाबाद के खन्नी नगला में प्रेमिका के घर सोए ट्रक ड्राइवर को गोली लग गई। घटना के वक्त महिला घर पर थी, महिला इसे खुदकुशी बता रही है। मेरठ के पल्लवपुरम थाना इलाके की एक महिला ने 3 युवकों पर चलती कार में गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीएसपी के एमएलए रहे पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी को जमानत दिए जाने के खिलाफ बलात्कार पीड़िता शीरू ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। शीरू ने कहा है कि पुरुषोत्तम से उसे जान का खतरा है। मेरठ के मेडिकल थाना इलाके के गढ़ रोड पर बैंक कैशियर की पीट पीट कर हुई हत्या के मामले में बैंक कैशियर की प्रेमिका को अपने सुपुर्द करने की मांग को लेकर परिजनों ने मेडिकल थाने में जमकर हंगामा किया। झांसी रेल मंडल ने विकलांग यात्रियों के लिए अनोखी पहल करते हुए विशेष पहचान पत्र जारी करने की शुरुआत कर दी है। रेलवे में पहली बार इस तरह के पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है। इलाहाबाद पुलिस ने लुटेरे गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों ताबड़तोड़ लूट की घटनाओं को इस गैंग ने अंजाम दिया था। संगीत जगत के सबसे बड़े अवार्ड ग्रैमी अवार्ड में अब भगवान के भजन को भी जगह मिल गई है। इस बार अवार्ड में विदेशी दंपति और उनके ग्रुप द्वारा बनाए गए भजनों के एल्बम को नामित किया गया है। संत कबीरनगर जिले में बघौली ब्लॉक इनी माधव इंटर कॉलेज में मतगणना स्थल के बाहर हजारों की भीड़ के चलते संत कबीरनगर से सिद्धार्थनगर तक काफी देर तक जाम लगा रहा। इलाहाबाद के नैनी औद्योगिक थाना इलाके में ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दिया और यहां जमकर पथराव किया। लखनऊ के गोमती नगर इलाके के जुगौली में चल रहे जमीनी विवाद को लेकर क्षेत्र के निवासियों और सेना के बीच विरोध हुआ, जिससे यहां लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में ग्राम प्रधान के नतीजों के सामने आने के बाद बुजुर्गों की जगह अब नौजवानों ने ली है, जिसमें 22 से 24 साल के प्रधान चुनकर सामने आए। बदायूं में फंदे पर लटका एक विवाहिता का शव मिला है। सूचना मिलने पर परिजन पहुंचे, परिजन इसे हत्या बता रहे हैं जबकि ससुराल वाले इसे खुदकुशी। प्रतापगढ़ में चुनावी रंजिश के चलते प्रधान के पुत्र ने घर से बुलाकर एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद से गांव में तनाव का माहौल है। बुलंदशहर के डीएवी इंटर कॉलेज में चल रही मतगणना के दौरान भारी भीड़ ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को लाठी भाजकर यहां से हटाया। लखनऊ में प्रदेश में बढ़ती महंगाई और खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। खाद्य सामग्री के मूल्यों को कम करने के लिए सीएम को ज्ञापन सौंपा।
वाराणसी में गंगा की पूरी तरह से सफाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गोरखपुर में महेसरा पुल के पास आइकॉन कार 40 फीट नीचे गड्ढे में गिर गई, हालांकि कार में सवार लोगों को गंभीर चोटें नहीं आई। शामली में एसपी कार्यालय पर गांव खदावली के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि दो दिन पहले गांव खेड़ी करमू में उनकी बेटी की ससुराल वालों ने दहेज के लिए हत्या कर दी और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कुशीनगर में राशन के गोदाम में चल रही शराब की फैक्ट्री में आबकारी विभाग ने छापा मारा, जिसमें करोड़ों रुपए के अवैध शराब के 20 ड्रम और कई सामान यहां पर जब्त किए गए। लखनऊ में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए स्कूल ने भव्य रात्रि कैंप का आयोजन किया। पहले दिन कैंप का शुभारंभ लखनऊ के जिलाधिकारी ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों बच्चों समेत कॉलेज प्रशासन के अध्यापक भी मौजूद रहे। पीलीभीत में एक गांव में अवैध कब्जेदारों ने यूपीएसआईडीसी का बोर्ड तोड़कर फेंक दिया। बाप को बता दी कि प्रशासन द्वारा कई बार चेताए जाने के बावजूद कब्जेदारों ने दोबारा प्रशासन को चुनौती दी है। बुलंदशहर में दो सिपाहियों द्वारा लकड़हारों को जमकर पीटने का मामला सामने आया है। वन विभाग के मुताबिक पुलिस सिपाहियों ने लकड़हारों के साथ काफी देर तक मारपीट की है। मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र में बीते मंगलवार को ही रेस्टोरेंट मालिक सुशील चौधरी हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस ने उसके पास से दुनाली बंदूक भी बरामद की है। इलाहाबाद में 3 हफ्ते पहले हुए जानलेवा हमले में गोली लगने से बुरी तरह जख्मी बीएसपी नेता जुल्फिकार अहमद की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद उनके समर्थकों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आगरा में लपकों को पकड़ने के लिए पर्यटन पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें पकड़ी गई एक महिला हॉकर ने जेल जाने के डर से कांच का सामान ही खा लिया, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन स्थित अर्चनारा इंटीग्रिटी के रेजिडेंट बिल्डर से परेशान हैं। परेशान लोगों ने बिल्डर के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। बरेली कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू हो चुका। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेताओं का कहना है कि कॉलेज प्रशासन उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। हापुड़ के एक गांव में हथियारबंद बदमाशों ने आधे दर्जन मकानों में धावा बोल दिया और जमकर लूटपाट की। वहीं बदमाशों ने सोने के आभूषण समेत लाखों रुपए लूटे और फरार हो गए। मऊ में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार रोहन गुप्ता को कुचल दिया, जिसके बाद आनंद फानन में ग्रामीणों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदायूं जिला अस्पताल परिसर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद अब अक्षमता के कारण अदालत नहीं जा पाने वाले आरोपियों के मुकदमों को भी यहां से सुना जा सकेगा। मुरादाबाद में पुलिस अकादमी के डीजी नासिर कमाल साइबर लुटेरों का शिकार बन गए। साइबर लुटेरों ने उनका बैंक अकाउंट हैक करके डेबिट कार्ड के जरिए लंदन में शॉपिंग कर ली। गाजियाबाद में 8 दिसंबर को कार सवार बदमाशों ने ट्रक से लदी 25 लाख की सुपारी लूटी थी। फिलहाल पुलिस ने कानपुर के बाबूपुरवा कोतवाली के बगाही इलाके से पूरा माल जब्त कर लिया, हालांकि आरोपी अब भी फरार है। मौसम में हो रहे परिवर्तन की जानकारी देने के लिए 16 डिब्बों की एक ट्रेन आगरा पहुंची है। साइंस एक्सप्रेस को 3 दिन तक लोगों के लिए खोला जाएगा।